हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स का एक बहुत ही बड़ा डाउट रहता है कि सर जो डॉक्यूमेंट्स हमें दिए गए हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हमें जरूरत पड़ती है, तो उन डॉक्यूमेंट्स को कब, कहाँ, कैसे और क्यों हमें यूज करना पड़ता है, इन सभी के बारे में आप सभी को जो डाउट है वो रहते हैं कभी काफी ज्यादा स्टूडेंट्स को। यहाँ पे एक बात और मैं सभी के साथ डिस्कस करने वाला हूँ, तो मैं पूरा आपको डिटेल बताऊंगा जेईई मेन से लेके जोसा काउंसलिंग तक के आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको शो करने होते हैं, कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको अपने सिर्फ अपलोड करने होते हैं, तो उनके बारे में मैं आपको बताऊंगा और कौन से डॉक्यूमेंट्स आप कहां से बनवा सकते हो उसके बारे में भी मैं आपको यहां पे वीडियो के अंदर बताऊंगा। तो वीडियो आप शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखते रहना है, हर एक पॉइंट को समझना है, स्किप नहीं करना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे जेईई मेन से लेते हैं। तो जेईई मेन या फिर जेईई एडवांस की बात हो तो आप दोनों समझ सकते हो, दोनों में अंदर जब आप एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने होते हैं। तो यहां पे मैं आपको बता दूं, जेईई मेंस और जेईई एडवांस के अंदर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड नहीं करने होते हैं, सिर्फ आपको दो चीजें अपलोड करने की जरूरत पड़ती है, वो है एक आपकी पासपोर्ट साइज फोटो और एक आपके सिग्नेचर, ठीक है। ये दो चीजें आपको अपलोड करनी पड़ती है, लेकिन क्लास 10th और 12th के जो एकेडमिक डिटेल्स होती है वो आपको एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर सबमिट है वो करनी होती है। जैसे कि मान के चले कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म आप जब फिल करोगे तो वहां पे क्लास 10th की पूरी डिटेल्स है, आपको वहां पे एंटर करनी होगी, जहां पे आपका नाम होगा, आपका रोल नंबर होगा, आपके मार्क्स होंगे और आपके ग्रेड होंगे भी, कितने ग्रेड्स आपके उस आपके क्लास 10th के अंदर और क्लास 12th के अंदर जो आए हैं, ठीक है। तो ये डिटेल्स आपको जब एप्लीकेशन फॉर्म फिल करोगे तो सिर्फ डिटेल्स एंटर करनी है, कोई भी आपको क्लास 10th और 12th का डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड वो नहीं करना है। नेक्स्ट ऑफ ऑल आता है आपको अपने आधार कार्ड का नंबर होता है, एक आधार कार्ड का नंबर भी आपको अपलोड करना होता है, सिर्फ वहां पे आपको एक स्लॉट मिल जाएगा जिसके अंदर आपको अपने आधार कार्ड का जितने भी जो नंबर होते हैं वो आपको वहां पे एंटर करने होते हैं। उसके बाद जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपको अपनी फोटो, ठीक है, और सिग्नेचर दोनों ही आपको अपलोड करने होते हैं, दोनों ही आपको अपलोड करके वहां पे सबमिट करने होते हैं, ठीक है। उसके अलावा आपको कोई भी आईडी या फिर किसी तरीके का कोई भी आपको जैसे कि वोटर आईडी या फिर वैलिड आईडी कार्ड आपको अपलोड करने की जरूरत है वो नहीं पड़ती है, ठीक है। तो ये है जेईई मेंस के बारे में। उसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ एक वैलिड ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर भी एंटर करने की जरूरत पड़ती है, तो ये डॉक्यूमेंट्स में नहीं आता है, ठीक है। तो जेईई मेंस के अंदर मैं आप सभी को बता दूं, यहाँ पे काफी ज्यादा स्टूडेंट्स मेरे से बहुत ज्यादा कमेंट्स करते हैं कि सर जेईई मेंस में कहीं पे भी हमें कैटेगरी का जो हमें स्लॉट है वो नहीं मिल रहा, कि कैटेगरी के डॉक्यूमेंट्स वो अपलोड करने का ऐसा कोई ऑप्शन वो हमें नहीं मिल रहा। तो मैं आप सभी को बता दूं कि जेईई मेंस या फिर जेईई एडवांस के अंदर आपको कहीं पे भी ये ऑप्शंस देखने को नहीं मिलेगा, आपको जेईई मेंस के अंदर किसी तरीके का कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत है वो नहीं पड़ती, या फिर कैटेगरी हो या फिर क्लास 10th हो या 12th के कोई भी डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने की जरूरत है वो नहीं पड़ती है, सिर्फ आपको अपनी इमेज, पासपोर्ट साइज फोटो और एक वैलिड आईडी कार्ड आपको अपलोड करनी होती है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें यहां पे कि जेईई मेंस के बाद जैसे कि हमारे आती है जोसा की रजिस्ट्रेशन आएगी, जोसा की रजिस्ट्रेशन नॉर्मल होती है, आपको रजिस्ट्रेशन करना होता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं होता है, आपको जो मेन चीज जो आपके जो डॉक्यूमेंट्स का है जो आपको कहां जरूरत पड़ती है, ठीक है। अब काफी ज्यादा स्टूडेंट्स क्या करेंगे कि जेईई मेंस के अंदर अपलोड कर देंगे कि सर कि मैं ईडब्ल्यूएस के अंदर हूं, ठीक है, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर वो सिलेक्ट कर लेंगे और वहां पर उनके पास वो डॉक्यूमेंट्स वो नहीं होंगे, तो यहां पर उनको कहां प्रॉब्लम हो सकती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपको प्रॉब्लम कब होगी, जब जोसा के अंदर आप जाओगे और जोसा के अंदर आप आपको सीट अलॉटमेंट हो जाएगी, तब आपको अपने डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करने पड़ते हैं और आपको डॉक्यूमेंट्स वहां पे जाके सबमिट भी कराने होते हैं, तो वहां पे आपको अपने डॉक्यूमेंट्स आपको सबमिट कराने होंगे। अगर आपके पास पूरे डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे तो आपको इलिजिबल नहीं होगा और वो सीट आपको नहीं मिलेगी। अब जैसे कि हम बात कर लेते हैं कि जोसा काउंसलिंग, जैसे कि आपको सीट अलॉटमेंट होने के बाद कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, तो उसके बारे में भी आपको यहां पे दिखा देता हूं, ठीक है। तो ये 2019 की ऑफिशियल है, आप यहां पे देख सकते हो 2019 की ये ऑफिशियल नोटिस है ये, ठीक है। यहां पे इन्होंने बता रखा है कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स की आपको जरूरत पड़ती है। सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता दूं कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लेके जाओगे वो सभी डॉक्यूमेंट्स ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, ठीक है। उसके अलावा कि जितने भी आप डॉक्यूमेंट्स लेके जा रहे हो उनके 3 कॉपी कम से कम होनी चाहिए, ठीक है, आप उनकी 3 फोटोकॉपी साथ में लेके जाएं, ठीक है।
अब बात कर लेते हैं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले यहाँ पे NIT, IIIT और GFTIS के बारे में यहाँ पे शो किया गया है कि आपको तीन अपनी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ होनी चाहिए और वो तीनों पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ वही होनी चाहिए जो आप JEE मेंस के टाइम में या फिर JEE एडवांस के टाइम में आपने जो फोटो अपलोड की थी एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर, तो वही फोटो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट है वो होती है। तो वही फोटो की आपको तीन पासपोर्ट साइज फोटो और चाहिए होती है उनकी, ठीक है, तो आप वो चीजें संभाल के रखिए। ठीक है, नेक्स्ट फॉल आता है आपका क्लास ट्वेल्थ का परफॉर्मेंस चेक कि आपके क्लास ट्वेल्थ के कितने मार्क्स आए हैं, उसकी मार्कशीट आपको यहाँ पे अपलोड, और जितने भी ये डॉक्यूमेंट्स मैं बता रहा हूँ आपको इनको अपलोड भी करना होता है और वहां पे जाके आप कॉलेज में जाके इनको सबमिट भी कराना होता है। ठीक है, ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको ओरिजिनल भी लेके जाने होते हैं, इनकी फोटोकॉपी भी आपको वहां पे कॉलेज में सबमिट करानी होती है। देन आपका जैसे कि ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो आफ्टर कुछ टाइम के बाद आपको वापस दे देंगे चेक करने के बाद। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं यहां पे आपका प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट लेटर। तो मतलब आपने जो सीट अलॉटमेंट किया है उसका एक आपको कॉपी मिलेगी, तो वो कॉपी आपको निकाल के अपने पास रखनी है। अब बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के बारे में जो स्टूडेंट्स जिनके बारे में ध्यान नहीं रखते, जो अभी आपको ध्यान रखना होता है JEE मेंस के टाइम पे। सबसे पहले कि आपको अपनी JEE मेंस की जितने भी आपने पेमेंट्स किए उनकी एक कॉपी जरूर रखनी है, और जब आपकी जोसा काउंसलिंग होगी तब भी आपको अपनी पेमेंट्स की कॉपी अपने पास रखनी है, वो भी आपको सबमिट करानी होती है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल यहां पे अंडरटेकिंग बाय द कैंडिडेट्स, ये एक फॉर्म होता है वो मैं आपको बता दूंगा बिजनेस रूल के हिसाब से, जो सर के बिजनेस रूल के हिसाब से एक फॉर्मेट फॉर्म है वो आपको दिया जाता है, उसे फिल करके भी आपको अपलोड वो करना होता है, मतलब सबमिट कराना होता है। नेक्स्ट ऑफ ऑल जैसे कि यहां पे मैंने बता दिया था कि फोटो आईडी कार्ड और इनकी तो जरूरत हर जगह ही पड़ती है, लेकिन आपको अपने एडमिट कार्ड जो आपका JEE मेन 2020 का जो एडमिट कार्ड है उसे भी आपको अपने संभाल के रखना है, और उसके बाद आप जो स्कोर जो आपका रिजल्ट आएगा उसे भी आपको अपने संभाल के रखना है। JEE मेंस की ऑफिशियल साइट से आप उसे डाउनलोड कीजिए और उसकी कॉपी वो निकाल के रख लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल डेट ऑफ बर्थ प्रूफ चाहिए, उसके अंदर आप क्लास 12th का भी सर्टिफिकेट डेट ऑफ आप दे सकते हो, अपनी क्लास 10th की डेट डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड करा सकते हो। नेक्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे कि अगर क्लास 12th की, तो यहाँ पे अगर कोई स्टूडेंट्स अपीयरिंग है तो अपीयरिंग वाला अपना सर्टिफिकेट वो बनवा के यहाँ पे अपलोड कर सकता है, अगर कोई स्टूडेंट्स पास आउट है तो अपना पास आउट का डॉक्यूमेंट्स है वो अपलोड वो कर सकता है यहाँ पे। नेक्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे आते हैं कुछ इंपॉर्टेंट्स जो बात करते हैं यहाँ पे हम, सबसे पहले कि मेडिकल सर्टिफिकेट, और ये मेडिकल सर्टिफिकेट होता क्या है, इसके अंदर सारी चीज़ें क्या है, तो उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि अगर आप मेडिकल सर्टिफिकेट के बारे में जानना चाहते हो, और शायद मैंने पहले इसके बारे में इंफॉर्मेशन से वो प्रोवाइड करा रखी है। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट्स के बारे में, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट्स है उसे आपको साथ होना चाहिए, अगर कोई जनरल स्टूडेंट्स का है, EWS का है, या फिर OBC NCL का है, SC ST कैटेगरी का है, इन सभी स्टूडेंट्स को अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट भी अपलोड वो करना होगा। अब यहाँ पे जो आपका सर्टिफिकेट है वो हर साल के हिसाब से बनता है, तो जो एक अप्रैल 2020 के जिन जिन स्टूडेंट्स ने अपने सर्टिफिकेट्स बनवा लिए तो उन्हीं के वैलिड माने जाएंगे, जिन स्टूडेंट्स ने 1 अप्रैल 2019 के सर्टिफिकेट रख रखे हैं तो वो वैलिड वो नहीं माने जाएंगे। तो आपको अपने जो सर्टिफिकेट्स है उनको दोबारा से रिन्यू करा लीजिए। ठीक है, और जितने भी कैटेगरी वाले स्टूडेंट्स हैं वो अपने सर्टिफिकेट्स हैं उनको बनवा लीजिए अगर उन्होंने नहीं बनवाए हैं। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स ने जनरल EWS के अंदर सिलेक्ट किया है तो उसका जो सर्टिफिकेट है वो 1 अप्रैल 2020 का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए। ठीक है, चाहे EWS कैटेगरी का हो या फिर NCL कैटेगरी का हो या फिर SC ST कैटेगरी का हो। ठीक है, उसी के साथ आ जाता है यहाँ पे PWD वाले स्टूडेंट्स के लिए, तो यहाँ पे उनके पास अपने PWD का सर्टिफिकेट है वो होना चाहिए डिसेबिलिटी का, और जो सर्टिफिकेट विल बी रिजेक्ट बाय द डिसेबिलिटी इज लेस देन 40%। अगर PWD का जो स्टूडेंट्स है उसकी जो फिजिकली डिसेबिलिटी है वो अगर 40% से कम है तो वो उसका सर्टिफिकेट है वो रिजेक्ट वो कर दिया जाएगा। 40% से ज़्यादा वाले स्टूडेंट्स का PWD सर्टिफिकेट है वो एक्सेप्ट किया जाएगा और उन्हीं को उसी चीज़ का बेनिफिट से वो मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें यहाँ पे उसके पास OCI सर्टिफिकेट या फिर POI कार्ड होना चाहिए, ये उनके लिए जो फॉरेनर स्टूडेंट्स होते हैं। ठीक है, लास्ट ये आता है कि आपके पास रजिस्ट्रेशन कम लोक चॉइस फॉर सीट अलॉटमेंट, जब आप सीट अलॉटमेंट करते हैं तब आपको एक जो प्रिंट आउट है आप वो निकलवा सकते हो, और उसका भी यहाँ पे आपको जरूरत पड़ती है कि आपने कौन कौन सी सीट से उनको सिलेक्ट किया है। ठीक है, इसी तरीके से सेम IIT के अंदर भी होता है, सेम सारे जो प्रोसेस है मैंने आपको यहाँ पे बताया, सेम डॉक्यूमेंट्स वहां पर भी आपको अपलोड करने की जरूरत
जरूरत पड़ती है। उसके अलावा आपको यहाँ पे किसी के अंदर किसी डॉक्यूमेंट्स के बारे में समझ में नहीं आया तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। आपको एक बात फिर से क्लियर कर देता हूँ कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स जी मीन्स या फिर जे एडवांस के अंदर अपलोड करने की जरूरत है वो नहीं पड़ती, सिर्फ फोटो सिग्नेचर और एक वोटर कोई भी आईडी आपको जो अपलोड करते हैं, उसके अलावा आपको कोई भी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने की जरूरत है वो नहीं पड़ती है। आपको सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है, उनकी ओरिजिनल कॉपी की जब जरूरत पड़ती है उनको सबमिट कराना पड़ता है आपको, जब आपको सीट अलॉटमेंट वो हो जाती है, ठीक है। जब आपको सीट अलॉटमेंट हो जाती है और आप रिपोर्टिंग सेंटर में जाते हो, वहां पे सीट सबमिट, जब आप अपने सीट एक्सेप्ट करने जाओगे तब आपको ये सारे डॉक्यूमेंट्स वहां पे अपलोड है वो सबमिट है वो कराने होंगे, ठीक है। आई होप आप सभी को सारी इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो, कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी तरीके अपडेट के साथ। कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग माई चैनल, स्टे होम स्टे सेफ।